दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अरबी का पौधा आप घर पर किस तरह से लगाएं। तो हमारे घर पर जो अरबी की गठाने आती हैं दोस्तों, उन्हीं गठानों से ही मैंने इस पौधे को आपको लगाना बता रही हूँ। आप देख रहे हैं मेरे घर पर अरबी के ये जो पत्ते हैं, कितने अच्छे इसमें पत्ते लगे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। खासकर बारिश के मौसम में ही ये पत्ते बहुत अच्छे आपको मार्केट में भी मिलेंगे, या फिर आप चाहें तो अपने घर पर भी इन पत्तों को लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाया है। बहुत कम जगह पर यदि आप गार्डनिंग करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप अपने गार्डनिंग के शौक़ को ज़रूर पूरा करिए। हमने भी हमारी छत पर, टेरिस पर इस छोटी सी बगिया को तैयार किया है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये जो बगिया है, इसमें इतनी सारी सब्जियां लगी हैं। तो यदि आप भी अपने घर पर अरबी का पत्ता लगाना चाहते हैं तो आप अरबी की गठानों को मिट्टी में लगा दें। 5 से 6 दिन में ही अरबी की गठानों में से हरी हरी छोटी छोटी सी पत्तियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैंने भी अरबी की कुछ गठानों को मिट्टी पर लगा दिया था और बहुत अच्छी तरह से अरबी का पौधा हमारा बढ़ रहा है। बिल्कुल हरी हरी चमकदार पत्तियां आ गई हैं। तो बस इतने बड़े जब पत्ते हो ना दोस्तों, तो आप काट सकते हैं। बहुत छोटे पत्तों को ना काटें, इस साइज़ के पत्तों को काट लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि वो बड़े होते हैं और बड़े होते हैं तो उन पत्तों में पीलापन आने लगता है और साथ ही साथ उनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वह कम होने लगती है। तो आप देख सकते हैं छत पर हवा चल रही है, कितने अच्छे ये पत्ते लहरा रहे हैं। और घर पर उगे हुए तो पत्तों की बात ही अलग है कि कितनी अच्छी तरह से यह उग जाते हैं। और जब ज़रूरत है आप इसे काट लें। आप चाहें तो अरबी के पत्तों की सब्ज़ी बनाएं, या चाहें तो अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाएं। और बारिश के मौसम में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बहुत कम जगह पर, बहुत कम गहरी मिट्टी में आप इसे लगा सकते हैं। किसी छोटे से गमले में भी आप अरबी के पत्तों को लगा सकते हैं। बहुत ही आसान है इन्हें घर पर उगाना और ख़ासकर बारिश के मौसम में तो इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही फास्ट होती है। इसी तरह अरबी की गठानों को मिट्टी में लगाने के साथ साथ आप चाहें तो अदरक की कुछ गठानों को भी मिट्टी में लगा दें। अदरक की गठानों में से भी बहुत अच्छी खुशबूदार हरी हरी पत्तियां आने लगती हैं और उन पत्तियों से आप चाहें तो उन पत्तियों का इस्तेमाल करें चाय बनाने में, चटनी में डालें आप। तो घर पर आप सब्ज़ी ज़रूर उगाएं और घर पर ऑर्गेनिक तरीके से उगी हुई सब्ज़ियों की तो बात ही अलग है दोस्तों। बाज़ार से जो हम सब्ज़ियाँ लाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल का छिड़काव किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइज़र डाला जाता है, और घर पर तो हमने बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से इसे उगाया है, किसी भी केमिकल वाली चीज़ों का उपयोग नहीं किया है। तो आप भी अपने घर पर अरबी का पौधा यदि लगाना चाहते हैं तो इस बारिश के मौसम में अरबी की गठानों से आप अरबी के ढेर सारे पौधे लगा सकते हैं और पा सकते हैं ढेर सारे अरबी के पत्ते। और जब ये पत्ते आपका काम हो जाए, खूब सारे काट लें आप, उसके बाद आप चाहें तो मिट्टी में से अरबी की कई गठानों को भी निकाल सकते हैं। मैं अरबी की हार्वेस्टिंग का वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक के हम इन पत्तों का आनंद उठाएं और आप भी पौधे लगाएं।